चाइना का वुहान शहर जिससे निकली एक खतरनाक महामारी जो पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ पूरी जो जनता कायनात को थर्राए हुए हैं, चरमराए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी पर बात करेंगे। क्या ये चीन की चाल हो सकती है? क्या ये बायोकेमिकल हथियार के रूप में चीन पूरी दुनिया के ऊपर छोड़ा हुआ है? इसी पर बात करेंगे। मैं मुकेश, फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चहेते न्यूज पोर्टल वेब पोर्टल द रियल वर्ल्ड। दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं दिन भर की सुर्खियाँ। दोस्तों 21 दिनों का लॉकडाउन में भी लोग बहुत सारी लापरवाही बरत रहे हैं, उसको कड़े रूप में ले रहे हैं पुलिस निदेशक। सभी जगहों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जरूरत पड़ने पर लाठियां भी चलाई जा रही है। आपको बता दें यह लॉकडाउन आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए किया गया है, ताकि आपको यह बता दें कि अगर एक को भी यह वायरस लग गया तो पूरे गांव को, ग्रामीणों को या शहरों को लॉकडाउन कर दिया जाएगा, यानी कि आपको, आपके घर ही आपके लिए जेल के समान हो जाएगा। इसलिए आप सतर्क रहिए। आपसे सभी से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि आप बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में आया है, यानी कि पूरे दुनिया को यह बंद कर दिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति में पूरी दुनिया है। तो बिल्कुल गंभीरता से लीजिए इसे और अपने घरों पर रहिए, सहयोग कीजिए। पुलिस जो दिन रात ड्यूटी कर रही है, अपने जान को जोखिम में डालकर उनका सहयोग कीजिए, किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। इस महामारी, इस त्रासदी में जो खाद्य सामग्री, जो खाद्य पदार्थ है, वो गरीबों के लिए बहुत ही अहम हो चुकी है, जिस पर कुछ कालाबाजारी की शिकायतें राज्य शासन को मिल रही है, जिस पर राज्य शासन ने कड़े निर्देश और कड़े तेवर दिखाते हुए चेताया है कि किसी भी प्रकार से कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो दुकानें या जो स्टोर्स अपने दाम से अधिक दामों पर बेचेंगे, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी बोला है कि सेवा भाव से इस समय सभी का सहयोग करें, और जो व्यापारियों को भी वह धन्यवाद दिया। चलिए दोस्तों बात करते हैं चीन का बायोकेमिकल जो वायरस है, यानी कि हथियार, दुनिया भर में वायरल हो रही ये वीडियोस, ये जो बातें हैं, क्योंकि दोस्तों चीन के वुहान शहर से निकली यह बीमारी अब तक दुनिया में फैल चुकी है और लगभग 22,000 लोगों की जानें ले चुकी है, और लगातार यह बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जो चीन से निकली वुहान शहर, यानी कि वुहान से निकली, वुहान को पहले ही लॉकडाउन कर दिया गया था, चाइना से निकली इस वायरस में चाइना का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही कोई नया केस चाइना में दिख रहा है। और आपको आधिकारिक तौर पर यह भी बता दें, मिले सूत्रों के अनुसार, जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि चाइना वुहान शहर को भी 8 अप्रैल को लॉकडाउन से हटा दिया गया है। पूरी दुनिया लॉकडाउन से थर्राए हुए है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन चाइना इस समय बंद में नहीं है, यानी कि चाइना का मेन शहर बीजिंग, शंघाई पूरी रूप से खुली हुई है। किसी भी प्रकार से लॉकडाउन चाइना में नहीं किया गया, केवल वुहान शहर को ही लॉकडाउन किया गया है, और 8 अप्रैल से लॉकडाउन वुहान शहर से भी हट जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया इस समय थर्रा के लॉकडाउन की स्थिति में है, और आज से 10 साल पीछे चली गई है। समझिए आप अर्थव्यवस्था कितनी गंभीरता से है, और गरीबी पर इसका मार और भी ज़्यादा दोगुने रूप से पड़ रही है। लेकिन चाइना इस समय, चाइना की जो इकोनॉमी रेट है, वो जो आर्थिक सेंसेक्स है, वो 2700 पर है, जबकि बता दें कि हमारे देश की सेंसेक्स 14,000 से 7,000 पहुंच चुकी है, यानी कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो आधी हो गई है, लेकिन चाइना केवल 20% ही नुकसान हुआ है। इसीलिए उस पर शंका होती है कि पूरी दुनिया को चाइना को सबक सिखाने के लिए बायकॉट करना होगा। माना कि वो इकोनॉमिक पावर है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष पद पर वो बना हुआ है इस माह, इसीलिए इस बात पर चर्चा भी करने से इनकार कर दिया जो चाइना है। और 5 देश जो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य है, और 7 में 10 जो अस्थायी सदस्य है, उनको भी सोचना होगा क्या चाइना को इस पद पर बने रहने का अधिकार है। जिस तरह से समय समय पर दुनिया को खतरे में डालने वाले इस चाइना को सबक सिखाने का समय आ गया है। आपको बता दें 2003 में सार्स नामक बीमारी भी चाइना से आई थी, बर्ड फ्लू चाइना से आई थी, और H1H2H3 इस प्रकार से पूरे वायरस का जन्मदाता चाइना है, और जो स्वाइन फ्लू वो भी चाइना से आई थी, इबोला चाइना से आया था, और ये 19 कोविड नोवेल कोरोना आज देख सकते हैं दोस्तों जो पूरी दुनिया को थरा दिया, यानी कि वायरस का जन्मदाता चाइना है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया को संकट में डाले हुए, अपने जो निजी जानकारी छुपाने के चक्कर में पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है, देख सकते हैं। WHO ने भी इसमें बहुत सारी गलतियां की है, और अभी तक चाइना को जिम्मेदार नहीं ठहरा है।
जिससे बहुत सारी आशंकाएं लोगों की बनी हुई है, WHO की तरफ भी और चाइना की तरफ भी। तो इस पर सभी को शंका हो रही है और इस पर बायकॉट, सभी देशों को मिलकर बायकॉट करना चाहिए चाइना की इस हरकत पर। कि और आपको बता दें, इस पर वैश्विक स्तर पर बातचीत करने पर भी इनकार कर रही है चाइना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे और हम आगे आपको खबर बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप बिल्कुल चाइना की इस बायकॉट पर अपना क्या मत रखते हैं, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।